करो। वाह वाह, दोबारा आ, चलो चलो वॉशिंग करेंगे, इधर 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 इधर, इस बाथरूम में चलो, करो 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 करो, वेरी गुड, करो 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 करो। पी जाते हो क्या, आदम पी रहे हो क्या? अरे भैया तुम लोग पीना नहीं है, पीना नहीं है, थ्रो, तुम थ्रो ही नहीं कर रहे हो, चलो थ्रो। अरे तुम तो ऐसे ही हो यार, चलो पक में आओ, यू हैव टू बी लिटिल फास्ट, ईट फास्ट फास्ट। एंड व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग? हां जल्दी पियो, लेट हो जाएंगे। पिहुड़ी कहाँ है, यहाँ क्या कर रही हो? माओ ने खा लिया, चलो उठो 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 उठो। रात को किसको शिकार बनाया तूने? टॉय, आपका टॉय खा गया, अब क्या करेंगे बताओ? जल्दी होती तो दीदी आपको खाना खिला दूं मैं, खाना आ जाओ जाओ जाओ। दीदी को दूं? पहले आप खा लो, पहले आप खा लो, कह रही दीदी को दो। क्या क्या? और देखो आपको दे रही है, ना दूं बाल आपके, हटो रशी, भाग के जाओ भाग के। दीदी को, दीदी को बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय करो, बाय, दीदी को बाय कर दो। सैड हो गया पिहुड़ी, पिहुड़ी आपको भी जाना है बेटा? दीदी का स्कूल है ना, इसलिए तो गया वो, इसको झूलने लगे रशी के स्कूल में, वो झूलने है। देखो मस्त धूप सेक लो, है ठीक है, आराम करो पिहुड़ी। वॉशरूम गया ना मैं, कहाँ चली गई? कभी कभी ना जान बूझ के खेलने लगती मेरे साथ पिहुड़ी। अरे पिहुड़ी सो गया क्या, और पैंट उतार के क्यों सोया भैया? बच्चा ठंड लग जाएगी बेटा, चिच्ची आ गया देखो, धूप सेक रहे। लाट साहब है, बॉयज बंदे ने हद कर दी भाई, सुबह से लेटा हुआ धूप में भाई, ऐसी मौज होनी चाहिए। गौदान वाले भैया थे, कहाँ गए? मैंने ऊपर से कहा मैं आ रहा हूँ। अरे भैया वहाँ चले गए आप, अच्छा नया फोटो लगा लिया। अरे वाह, जल्दी चलना पड़ेगा, पियू घर पे अकेली है, सो रही है। कैसे मैं जब जल्दी जाऊंगी तो मैं पियू का ध्यान कैसे रखूंगी? सुनो मैं बताता हूँ, सुनो, जब मम्मा होती हैं तो हम सबका ध्यान रखती हैं, जब मम्मा नहीं होती तो पापा आपका और पियू का ध्यान रखते हैं, अब जब पापा नहीं होंगे तो आपको पियू का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा वो कह रही हो, उसका कुछ निकालते हैं, चलो जुगाड़। आज सैटरडे है लेकिन रशि का 1 आवर की क्लास थी, कोई तो ड्रेस था, तो सुबह इतना पिटी है ये, पापा पापा सैटरडे को कौन स्कूल जाता है पापा, पापा ये कोई बात थोड़ी ना, हम छोटे बच्चे, हमको भी तो आराम करना होता है पापा। हाँ मतलब वैसे 1 घंटे का खाली क्लास थी आज। फ्यू मोमेंट्स लेटर, पिन बटर तुम्हारा ये आया, कर पियू। ओए झाड़ू माता इधर आ, क्या खाएगा सैंडविच की पीनट बटर सैंडविच? एवोकाडो, क्या बोलते हैं इसको? एवोकाडो। जाओ वर्कआउट डन, इंडिया पाकिस्तान मैच के पहले यहीं पे चोट लगी, सेम यहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान मिस हो गया, इंडिया इंग्लैंड से पहले जिम कर रहे थे, लेट हो गया जिम में तो फ्लाइट छूट गई थी, कल फाइनल, आज फिर जिम कर रहे हैं, कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जिम का रिलेशन कुछ ना कुछ तो है इस वर्ल्ड कप से। पियू बाय, पारी कर दो सर, माओ ध्यान रखियो, बाय बाय। अहमदाबाद आने की इतनी महंगी फ्लाइट है, ये देखो कैसे लोग अहमदाबाद से वापस बाहर जा रहे हैं लोग यार, मतलब गोल्डन चांस। अहमदाबाद में भी ये लगा रखी है एयरपोर्ट साज सज्जा, फ्लाइट 6:40 की थी, 7:30 की वहाँ हो गई एयरपोर्ट पे, फिर एयरक्राफ्ट के अंदर ही हम बैठे रहे, 8:30 उड़ी, 8:40 पे उड़ी है, क्योंकि पायलट नहीं थे, मुझे लगा शायद अहमदाबाद में डिले होगा, बट पायलट नहीं थे, वैसा होता है, बट दिक्कत क्या है, आई कैन टॉक अबाउट दिस फ्रॉम अ पायलट पर्सपेक्टिव। एयरपोर्ट ही फुल है आज तो, मतलब जगह ही नहीं एयरपोर्ट में, आई हैव नेवर सीन सो मच भीड़ इन द एयरपोर्ट भाई, ये भी मैं लिख ही देता हूँ भाई, कर ही देता हूँ, रुक जाओ, ऑल द फैंस आर राइटिंग हेयर। Everyone is super
सुपर डुपर एक्साइटेड। यहाँ अलग फोटो चल रही है। अरे भाई स्टेडियम में पहुंचना कल तक, लोग यहीं लगे रहेंगे। इतनी भीड़ देखो बाहर, देखो भीड़। ओह माय गॉड। अरे भाई ये सही है, अमेजिंग माहौल। मुझे लगता नहीं आज अहमदाबाद शहर आज रात को सोएगा। भयंकर भीड़, भयंकर भीड़। जो आज ही आ गए सेफ्टी के चक्कर में, कल सुबह कोई नहीं आएगा शायद। मैं कह रहा था हमारा पायलट आया ही लेट, मतलब 8:30 पे तो वो आया है और 8:40-8:50 पे डिपार्ट किया। तो जैसे ही वो आया सबने ताली बजाना शुरू होता, उसको भी एम्बेरस हुआ होगा भाई बंदे को। बस मुझे लग रहा है कि पायलट लेट आया। पायलट साइड ऑफ द स्टोरी है, वो किसी और फ्लाइट पे गया होगा, ये वाली फ्लाइट डिले हो गई होगी और इस फ्लाइट के लिए पायलट होगा नहीं। उसकी गलती नहीं है, वो किसी और फ्लाइट से आया। वो तो जैसे जैसे लैंड हुआ दिल्ली में फटाक से आ गया। अब पिछली फ्लाइट कहीं लेट हो गई या कुछ हो गया तो जाम एयरपोर्ट पर भाई, पूरा एयरपोर्ट ही जाम है। कल तो मोदी जी आ रहे हैं, कल क्या होगा। गदर भीड़ है भाई, मतलब इतने लोगों को टिकट मिल गई। मैं ये सोच के सोच रहा हूँ मतलब यहाँ पे पूरी भारत की आधी इकोनॉमी खड़ी है आज। लेकिन कल स्टेडियम में जाएंगे जब, जिस हिसाब से टिकट बिकी है ना भाई, 6,000 की टिकट 60,000-70,000 की बिक रही है। एग्जैक्टली 10,000 की टिकट 1,00,000 रुपए की, 10 लाख की टिकट 2,50,000 की, 2 लाख की भाई, 2 लाख की है 10 लाख, 10,000 वाली टिकट। एक्चुअली प्राइस इतने नहीं थे, बट जैसे इंडिया सेमीफाइनल जीता ना प्राइस ऊपर हो गया। मोटेरा में जो जब क्राउड भरेगा तो वो वैल्यू, जो लोग 50,000 की टिकट भाई, अरबों रुपए की वैल्यू इस स्टेडियम में, अरबों रुपए पैसा आ गया है। प्रिपरेशन तो अलग है ही है, बट हर बंदा खर्च करके आ रहा है यार। होटल महंगे, टिकटों में आग लगी हुई है, रहने का महंगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे टैक्सी में भी कर रहे हैं भाई, यहाँ टैक्सी में भी ब्लैक कर रहे हैं टैक्सी भाई। पीएल में आए थे तो एयरपोर्ट ठंडा था, लेकिन स्टेडियम में मारामारी हो गई थी भाई। स्टेडियम में जब हम गए थे फाइनल में, तू तो था सेकंड डे आए थे और एक बार और मैं कहता वहाँ भी मारा मारी थी, बट लेकिन कल क्या होगा भाई, सोच के डर लग रहा है। अब तो सोच के डर लग रहा है भाई। टाइम से आ गए हम लोग आ चुके पटाखों वाली दुकान पे। अरे ला भाई बड़े वाले स्काई शॉट दिखा दो, 600 रुपए का। कौन सी ब्रांड है ये? इसमें ये भी अच्छा, इससे बड़ा ही है। ये कितने का? ये कितने का है भाई? ये कौन सा है भाई? तो बहुत छोटा है। 60 शॉट आएगा, 50 शॉट आएगा। वो भाई ये कितने शॉट है इसमें? आइस ब्लास्ट नहीं, पीछे वाला कितने का? पीछे वाला 240 है। ये चलता चलता ही रहेगा, 120 वाला शॉट वाला दे दीजिए भाई। काउंटिंग कर लियो तू, ठीक है 120 नहीं करते कि पर्चा लेके चलिए। एक नहीं सिंगल शॉट भी दीजिए, एक 120 भी दीजिए। इसमें दो है, सबसे बड़ा वाला निकालो भाई। हम वो ले रहे हैं सबसे बड़ा, वो उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। भैया मैच हार गए तो वापस करने आएंगे फिर? हारने की गुंजाइश नहीं है ना? अरे फिर ठीक है, आके स्टॉक कर लिए कल के लिए, मस्त मस्त मजे कर देंगे। सामने रहा स्टेडियम, अभी ऑलमोस्ट स्टेडियम का चक्कर लगाने आ रहा है, देखते हैं माहौल कैसा है वहाँ पे स्टेडियम राइट में। कल तो यहाँ तक हल्ला आएगा भाई, है? अभी इसके नारे लगाओ भाई, मस्त माहौल हो रखा है यार भाई। सुबह लेट ना हो जाए तो मैच के लिए। झंडा लेना है क्या? ले लेता। पूछ कितने का? 450 क्या? जनता देखने ही आई है भाई, कल ऐसे झंडे लहराने यार भाई। अब नबी, अरे तू भी लहरा ही रहा क्या? ये चेक करो यहाँ पे गजब। अरे न्यूज व्यूज वाले भी आए हुए हैं भाई। कल एंट्री कैसे मिलेगी? तो उसके डर लग रहा है भाई। मुझे लगता है यहाँ पे रात को यहाँ भीड़ कम होने वाली है। लेनी टी शर्ट? लेनी ले, उठा लो, उठा लो टी शर्ट। आ गया आ जाएगा। हाँ भाई, चीयर करने के लिए बड़ी संख्या में लोग। भागना पड़ गया, नोएडा मेट्रो वाला सीन होते बच्चा पीछे। ये सड़कें तो आईपीएल में भर जाती है, तो कल क्या होगा पता नहीं भाई। यहाँ जगह नहीं मिलेगी कल रोड पे पाँव रखने। विराट की टी शर्ट लेनी है भाई। रात के 12:30-12:40 अभी आ गए डिनर करने। डिनर करके भाई सो जाएंगे, क्योंकि सुबह में लेट नहीं होना। रितु कल सुबह ही आएगी यहाँ पे, वहाँ से उसको एयरपोर्ट से उठा के डायरेक्ट स्टेडियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। कल का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला भाई। पटाखे गाड़ी में भर लिए हैं, झंडा ले लिया, और कल अहमदाबाद की सड़कें इतनी भरी होंगी ना, बस मजे ला देंगे कल भाई। जीत ही जाए बस, उसके बाद कल रात भर नहीं सोएंगे भाई, रात भर।